हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लाइव क्लास है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने गुणनखंड क्या चीज है उसके बारे में पढ़ा, गुणज क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, तथा गुणनखंड याद करने की विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें जो हमारी पहली विधि थी वो थी सात गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड। इसके अलावा दूसरी जो विधि थी हमारी समूह विधि, और जो थर्ड जो हमारी विधि थी वो थी हमारे बीजगणितीय सर्व समीकरणों के प्रयोग से गुणनखंड करना। तो हमने जो सार गुणनखंड विधि है उस पर आधारित जो क्वेश्चन किए थे वो उस टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें आपके जो दो पद थे वो नहीं आए थे, यानी दो पद आएंगे तो आपके जोड़ और बाकी का चिन्ह प्रयुक्त होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो हमने साधारण टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो एक पद वाले उनके गुणनखंड हमने कर लिए थे, आज हम दो पद वाले या दो से अधिक पद वाले जो पद होते हैं या बीजी व्यंजक होते हैं उनके गुणनखंड करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड की, निम्नलिखित व्यंजकों के, व्यंजकों से ऐड है यहां पर बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक होगा बच्चों जिसमें आपके अंकगणित संख्याओं, इसके अलावा बीजगणित के राशियों जैसे एक्स वाई जेड एबीसी पी क्यू आर इनका प्रयोग होगा, इसके अलावा जोड़ बाकी गुणा और बाकी चीज वाले वहां पर प्रयोग किया हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करने हमें, और विधि जो हमारी है वो है सार गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? सार गुणनखंड विधि। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का वो है 6p-12q, 6p-12q ये जो एक आपका बीजीय व्यंजक है बच्चों, इसके गुणनखंड करने हमें कौन सी विधि से? सार गुणनखंड विधि से। तो ध्यान से समझिएगा, जब सार गुणनखंड विधि से हमें बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक गुणनखंड करने जो आपका एकपदी का नहीं है, वो आपका द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, उस टाइप का है। देखिए जैसे इसमें 6p, ये जो यहां से यहां तक आया है जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 6/p होता है या 6p, यानी या तो गुणा का चिन्ह आप कह सकते हो वहां पर बीच में मौजूद था या भाग का चिन्ह मौजूद है, तो इसका मतलब उसको हम बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे, वो जो पद होगा वो क्या कहलाएगा? एकपदी कहलाएगा। ये आपका एकपदी है, इतना सा अगर आता 6p तो ये एकपदी होता है, इसको हम पहला पद कहेंगे। बीजीय व्यंजक क्या है? ये एक पद है, ये पहला पद हो गया। फिर अगर जोड़ बाकी का चिन्ह आ गया तो आगे जो भी लिखा हुआ होगा वो दूसरे पद को निरूपित करेगा, फिर और जोड़ बाकी का हो गया आगे जो भी लिखा होगा वो तीसरे पद को निरूपित करेगा। तो यहाँ कितने पद हो गए बच्चों आपके? एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यानी टोटल कितने पद का ये? दो पद का। तो दो पद वाला या दो से अधिक पद का जो भी बीजीय व्यंजक होगा उसका हमें सार गुणनखंड विधि से जब गुणनखंड करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करने हैं? प्रत्येक पद के गुणनखंड करने हैं। क्लियर? हमें प्रत्येक पद के क्या लिखने हैं बच्चों? गुणनखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 6p को, हम लिखेंगे 6p को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 × 3 × p लिख सकते हो आप। यहाँ पर जो दो या दो से अधिक पद का अगर बीजीय व्यंजक होगा तो उसके सार गुणनखंड करने हैं, सार गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने हैं, तो हमें प्रत्येक पद के गुणनखंड करने हैं। क्यों? क्योंकि जितने पद उतने ही गुणनखंड। 6p बराबर लिख सकते हैं 2 × 3 × p वह 12q, माइनस नहीं, केवल हमें संख्या संख्या के गुणनखंड करने, 12q के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 12 को लिख सकते हैं बच्चों आप 2 × 2 × 3, और गुणा आगे क्यों को हम क्या लिखेंगे? गुणा क्यों लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? ये मान क्यों से मिलेगा? पुनः पर्सन से हमें क्या मिलेगा? 6p-12q जो है उसमें मान रखेंगे तो कितना जाएगा? 6p की जगह हम ये मान उठा के रख लेंगे 2 × 3 × p, माइनस क्या? माइनस का लगा, प्लस क्या? प्लस का लगा। 12q की जगह लिख सकते 2 × 2 × 3 × q, इतना काम आप सब कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद बच्चों आपको इसमें देखना है कि वो जो जो चीज जो दोनों में है, जैसे उसको निशान लगा दीजिए पेंसिल से, 2 इसमें 2 इसमें, उसको निशान लगाइए, 3 इसमें 3 इसमें, और कौन सी चीज है? पी इसमें, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो चीज जो दोनों में उभयनिष्ठ है आपके वो कौन कौन सी बच्चों? एक तो आपका 2 है और 1 3, तो 2 और 3 उनको दोनों को क्या लिख दीजिए आप? 12 लिख दीजिए, 2 × 3 लिख दीजिए, जो भी हो उसको आप लेके जो कॉमन होगा दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा उसको लिख के आप क्या लिख दीजिए बाद में, उसको जितने भी पद कॉमन है उनको आपको एक साथ गुणा में लिख देना है, फिर एक कोष्ठक लगाना है। क्या लगाना है? कोष्ठक। कोष्ठक लगा के आपको अब देखने की गलती है, जैसे 2 भी ले लिया 3 भी ले लिया, तो यहाँ पे क्या छूट गया? यहाँ पे छूट गया, बोली थी माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस लगाना, प्लस का तो प्लस लगाना। 2 और 3 हम ले चुके तो क्या बच गया? 2 और q बच गया। 2 और q का मतलब कितना बच गया? 2q बच गया। कितना बच गया? 2 × q मतलब कितना बच गया? 2q, गुणा करके लिखना है। अब ये जो निशान लगाया इनको वापस मिटा दीजिए, ये आपने समझने के लिए लिखाया।
दो गुना तीन को हम क्या लिखेंगे, दो गुना तीन को छह लिखेंगे और कोष्ठक में लिखेंगे पी माइनस टू क्यू। कितना लिखेंगे, पी माइनस टू क्यू लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारे छह पी माइनस बारह क्यू के जो साल गुणनखंड का मान है वो है छह कोष्ठक पी माइनस टू क्यू, छह कोष्ठक पी माइनस टू क्यू। ये हमारा क्या है बच्चों, जो कि दिए गए व्यंजक का साल गुणनखंड, दिए गए व्यंजक का क्या है, ये साल गुणनखंड है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन है वो लेकर हल कर सकते हैं। तो आगे समझिए फटाफट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर वो है सेवन ए स्क्वायर प्लस चौदह ए। कितना है, सेवन ए स्क्वायर प्लस चौदह ए। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां सेवन ए स्क्वायर और चौदह ए ये जो अलग अलग पद है इनके गुणनखंड कर ले, तो सेवन ए स्क्वायर को लिख सकते हो सेवन गुणा ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या ए स्क्वायर को आपको घातांक की चीज को उसको आपको जितनी घात उतनी वाली फिट करके लिखना है। चौदह ए को आप लिख सकते हो दो गुणा सात गुणा ए। इतना लिखने के बाद में आपको लिखना है पुनः पर्सन से, अपर्सन से आपको लिखना है सात ए स्क्वायर प्लस चौदह ए बराबर सात ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो सात गुणा ए गुणा ए, तो आपने ऊपर लिखा है प्लस प्लस का चिन्ह चौदह एक बार लिख सकते हो दो गुना सात गुना ए। अब उस चीज को निशान लगाइए जो इन दोनों में है, जोड़ बाकी के चिन्ह है, दो पद है तो दोनों में होगा, तीन पद है तो तीनों में, जो चीज सब में उसके निशान लगाइए। सात यहाँ है, सात यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ है और ए नहीं है, दो यहाँ और दो यहाँ नहीं है। क्या चीज है जो दोनों में है, वो है सात गुणा ए। सात गुणा ए हमने यहाँ से लिया, सात गुणा ए को यहाँ से लिया, यहाँ से लिया तो क्या बच गया हमारे पास, ए बच गया। यहाँ से लिया तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों, दो बच गया, और बीच में चिन्ह कौन सा बच गया, प्लस का। तो कहने का मतलब है कि जो दिया गया बीजीय व्यंजक था हमारा, उसके जो सात गुणनखंड का मान है वो कितना है, सेवन ए ए प्लस टू, जो कि अभीष्ट सात गुणनखंड है, जो कि दिए गए व्यंजक का अभीष्ट क्या है, सात गुणनखंड का मान। इस टाइप से हमें एक पद से ज्यादा पद वालों बीजीय व्यंजकों के सार गुणनखंड करने होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बच्चों तीन पद आपके पास, कितने पद है, तीन पद। तो तीन पद वाला हमारा बीजीय व्यंजक आपके पास क्वेश्चन दिया हमें, दस ए स्क्वायर माइनस पंद्रह बी स्क्वायर प्लस बीस सी स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी पदों के क्या करने हमें गुणनखंड करने, तो यहाँ दस ए स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ दस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, दो गुना पांच ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए को दो बार लिखेंगे करके। पंद्रह बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तीन गुना पांच पंद्रह को लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को हम बीस गुना बीस लिख सकते हैं। बीस सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बीस में दो का जाएगा दस बार, दो का जाएगा दस में पांच बार, इसको लिखा जा सकता है दो गुना पांच गुना सी स्क्वायर को सी गुना सी। फिर पुनः जब पर्सन से देखे और पर्सन में ये चीजें रखे तो क्या आएगा, देखिए दस ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं दो गुना पांच गुना ए प्लस, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं हम दस ए स्क्वायर माइनस पंद्रह बी स्क्वायर प्लस बीस सी स्क्वायर। इसमें जब मान रखेंगे तीन पद है तो तीनों पदों का जो मान रखेंगे ऊपर से गुणनखंड है, पांच से दो गुणा पांच गुणा ए गुणा ए माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, पंद्रह बी स्क्वायर को तीन गुणा पांच गुणा बी गुणा बी, और अगला जो है नेक्स्ट पंद्रह सॉरी बीस सी स्क्वायर उसको लिख सकते हो दो गुणा पांच गुणा सी गुणा सी, ये चीज लिखी जा सकती है। अब देखिए निशान में जाएगी चीज सब में है, पांच यहाँ पर है पांच यहाँ पर है पांच यहाँ पर, दो यहाँ पर है दो यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है। फिर दिक्कत आ रही है हमारे सी की, सी यहाँ है सी यहाँ नहीं है यहाँ नहीं, इसका मतलब हमारे जो यहाँ पर जो चीज जो सब में है वो क्या है बच्चों, पांच है, बाकी जो चीज बची हमारे उसको हमें गुणा करके लिखना है, जैसे दो बच्चा ए बच्चा ए बच्चा तो क्या बनेगा टू ए स्क्वायर, यहाँ पर पांच दे रहे हैं तो तीन बच्चा बीस बच्चा बी बच्चा तो क्या बचाएगा तीन बी स्क्वायर, यहाँ पर दो बच्चा सी बच्चा सी बच्चा तो दो और दो हो जाएगा ये चार सी गुणा सी हो जाएगा चार सी स्क्वायर, तो ये बच गया हमारे पांच कोष्ठक दो ए स्क्वायर माइनस तीन बी स्क्वायर प्लस चार सी स्क्वायर, जो कि हमारा अभीष्ट सार्वगुणनखंड
जो कि अभिष्ट क्या है, सार्वगुणनखंड का मान है। ये हमारे दिए गए द्वितीय वेद के सार्वगुणनखंड का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन हमारा माइनस का 16z प्लस 20z³, माइनस का 16z प्लस 20z³, इसका हल समझिए। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो प्रत्येक पद है उसके क्या करने बच्चों गुणनखंड करने। तो यहाँ पर आपका पहला जो पद है वो माइनस का, तो इसको माइनस का लेकर चलना होगा। अगर बीच में माइनस का आता है तो अगला पद का केवल संख्या मान लेना, लेकिन स्टार्टिंग में आ जाए तो माइनस 16z है उसको ही लिखना है। माइनस 16z में माइनस का चिन्ह मैंने बताया था, माइनस 1 से उसको हम अलग कर सकते हैं। 16 को हम लिखेंगे 2 को 4 बार गुणा करके, 2 को हम 4 बार लिखेंगे और गुणा आगे कितना है 0। वेल 20z³ को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 20 में सबसे पहले 2 का दिया 10 बार, फिर 2 का दिया 5 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा जेड क्यू को हम लिख सकते हैं जेड को 3 टाइम। ये हमारे दिए गए बीजे व्यंजक जो है उसके प्रत्येक पद के गुणनखंड कर लेने के बाद में अब हमें क्या लिखना है पर्सन से। अब हम पर्सन से वापस चेंज करते हैं चीज को, तो पर्सन को वापस लिखेंगे माइनस का 16z प्लस 20z³ बराबर, इनकी जगह मान रखें तो माइनस का 1 गुणा 2 हमारा 4 टाइम गुणा जेड, ये आपका जेड है लास्ट में, फिर प्लस का जेड, ये 2 गुणा 2 गुणा 5 जेड आपका डेटा। अब देखिए इसमें जो चीज कॉमन है यानी जो चीज दोनों में उसको निशान लगाए, दो यहां जेड यहां पर भी है, जेड यहां पर भी है, दो यहां पर भी है। अब 5 यहां पर बच गया, बाकी चीज जो है बच्चों वो आपके इनमें सब में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कितना है, यहां पर जो है वो अपना 3-4 निशान यहां लगाए, यहां पर भी 4 निशान, इनको सबको आपस में यहाँ पर बाहर गुणा में लिखना है। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से और 1z यहाँ से, 4 निशान यहाँ 4 निशान यहाँ पर है। तो इनमें से इनको सबको आपको एक साथ गुणा में लेना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा z, ये लेने के बाद में आपको कोष्टक। अब कोष्टक में क्या क्या बचेगा आपको, कोष्टक में जिसके निशान नहीं लगा है, जैसे एक तो आपका ये 2 बच गया और एक आपका यहाँ पर माइनस 1, तो इनको एक साथ जितना भी बच गया उनको एक साथ गुणा कर लेना। 2 का माइनस 1 से गुणा बच्चों माइनस का 2 होगा, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस की यूज कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या चीज रह गई आपके, यहाँ पर जो चीज बची है वो है 5 और z का गुणा 5z हो गया, कितना हो जाएगा 5 और z का गुणा आपका 5z हो जाएगा। अब इसमें आपको आगे क्या करना है, इसमें इनको सबको आप अगर गुणा कराए, ये आपका यहाँ पर देखिए ये जेड आपका, ये जेड है, यहाँ पर भी आपको क्या है ये जेड है, तो यहाँ पर अगर इनको गुणा कराए बाहर तो यह हो जाएगा 8z, कितना हो जाएगा 8z, और यह बच जाएगा माइनस 2 प्लस 5z, जो कि हमारे क्या है अभीष्ट सार्वगुणनखंड का मान। माइनस 16z प्लस 20, तो इसमें जो बचा था आपके वो बचा था 0 था, तो यहां पर हमने क्या लिया कि 2 यहां पर था 2 यहां पर, तो यहां पर हमारे दरअसल 8 नहीं होगा, 4 होगा आपका, 4 और 1 ही आपका जेड, जेड दोनों में आ जाएगा, तो 4z माइनस 2 प्लस 5z, यह आपका इसका क्या हो जाएगा बच्चों अभीष्ट सार्वगुणनखंड का मान हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस का कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 2 को निशान लगाया हमने तो ये 2 बच गए थे, तो 2 गुना 2 कितना जाएगा 4, ये हमने जेड को 2 समझ लिया था यहाँ पर से, और यहाँ पर आपका जेड है वो कितना टाइम बच जाएगा 2 टाइम बच जाएगा, 1z ये बच जाएगा 1z ये,
तो 5 0 इसका। नेक्स्ट है बच्चों हमारे संबंध विधि द्वारा गुणनफल। सेकंड क्वेश्चन है हमारा संबंध विधि द्वारा गुणनफल। संबंध विधि से हमें गुणनफल करना है। पहला हमारा इसमें 2xy + 3 + 2y + 3। संबंध विधि को ध्यान से समझिएगा बच्चों। समवन विधि का मतलब होता है कि ग्रुपिंग करने हमें, और समवन विधि जब भी आएगी तो गुणनखंड करने होंगे, तो उसमें टोटल कितने पद होंगे बच्चों आपके? 4 पद होंगे। कितने पद होंगे? 4। उन 4 पदों में से आपको दो दो को साथ में लेके जोड़े बनाने हैं, पेयरिंग करनी है, ग्रुप करना है, उनका समूह बनाना है। तो यहाँ पर 4 पद दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। लेकिन ये 4 पद है वो आपके जो है उनमें दो दो के ग्रुप जो बनाने, वो आपको सबसे पहले उनको सही से सेलेक्ट करना है कि उनको कैसे नजदीक बिठाए जिससे उनकी सही से ग्रुपिंग हो। क्योंकि इन दो को ग्रुप अगर हम बना ले तो ये दो का ग्रुप बनेगा, और इनमें जो कॉमन आएगा लेने के बाद में, इनमें भी जो कॉमन आएगा लेने के बाद में, वो जो कोष्ठक में जो मान बचेगा वो दोनों में क्या बचना चाहिए? समान बचना चाहिए। ये है आपका समूह विधि। तो इसमें अगर हम सबसे पहले चेक करें और इसमें अगर देखें तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, और इसमें भी हम अगर देखें तो इसमें भी आपके कुछ कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो दे रखे हैं इनको हम पहले इसी हिसाब से इनका ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा दिए गए पदों को व्यवस्थित करने पर। दिए गए पदों को क्या करेंगे? हम व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद में हमें इनके ग्रुप करने पड़ते हैं, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले दिए गए पदों को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करेंगे तो क्या आएगा? देंगे 2x y + 3। 3 की जगह अगर हम 2y को इसको नजदीक ले जाए तो 2y को नजदीक ले जाएंगे तो कितना आएगा? 2y को नजदीक ले गए, 3 को इसके बाद में लिखे, 2y को चले आए और 3 को इसकी जगह ले जाए, तो 2y यहाँ पर आगे प्लस 3 आगे 3x है। ये अगर हम ग्रुपिंग करके देखें और हम देखें कि हमारी ये जो चीज है ग्रुपिंग सही बन गई है क्या, इसको हमें रखने चेक करना है। जब ग्रुपिंग सही बन जाए तभी उसको उसको फेयर में करना है, बाकी कोई और जरिया नहीं आता कि आप ग्रुपिंग में पहले से अनुमान लगा लो तो ग्रुपिंग में यही पद नजदीक आएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 और y अगर हम गुणनखंड करें या पहले से ऐसे देखते कि 2y इसमें, 2y इसमें, 2y यहाँ पर कॉमन है, क्या होता है यहाँ पर अक्ष और यहाँ पर सारा कॉमन आगे बढ़ता है, यहाँ पर हम देखें तो 3 इसमें 3 इसमें, मतलब 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? 1 और यहाँ अक्ष। तो ये देखिए आपकी पोस्ट दोनों क्या आगे से, ये चीजें अगर समान आती है तो आपकी ग्रुपिंग सही है, वरना आपको ग्रुपिंग में बदलाव करना पड़ता है। तो यहाँ हमने जब दिए गए पदों को व्यवस्थित किया तो हमारा जो व्यवस्थीकरण जो बना है वो कहने का मतलब सही बना, क्योंकि हमारी ग्रुपिंग है वो सही चल रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसके बराबर में ये चल रहा है, तो बराबर का चिन्ह यूज कीजिए। अब इसमें यहाँ पर और इसमें कॉमन देखिए आप, 2 और y इसमें भी है, 2 और y इसमें भी है। तो 2y को यहाँ से हमने जब निकाल लिया 2y को, तो हमारे पास x बचा, यहाँ पर हमने 2y पूरे को निकाल लिया, तो जब पूरा निकल गया जो पूरा आ गया कॉमन हमने ले लिया, 2y इसमें गुणनखंड करने पूरा अपना काम में आ गया, तो यहाँ कितना छोड़ दिया इसने अपना निशान के तौर पर 1। यहाँ पर देखिए 3 और 3, यहाँ अगर प्लस 3 होगा तो प्लस कॉमन लेना है, माइनस होगा तो माइनस, ये ध्यान में रखिए, प्लस होगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस होगा तो आगे का चिन्ह बदल लेना है। जैसे माइनस होता तो यहाँ प्लस का नहीं आता, बाद में आगे माइनस का आता, और यहाँ माइनस होता तो आगे क्या आता? प्लस। लेकिन प्लस से कोई बदलाव नहीं आएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 हमने बाहर ले लिया, तो 3 बार ले लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर 3 बार ले लिया, मतलब अक्स बच गया। तो ये चीजें आपके कोष्ठक में समान बच गई, इसका मतलब हमारी ग्रुपिंग सही चल रही है। अब हमें क्या करना है? अक्स प्लस 1 जो ग्रुपिंग हुई है उसको हम बाद लेंगे, वापस से उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना बचाएगा? 2y, यहाँ कितना बचाएगा? 3, और बीच में चिन्ह कौन सा आएगा इनके? जो अगले पद से पहले लगा हुआ, जैसे 3 से पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 से पहले प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ये हमारे दिए गए बीजे बिंदु के क्या है बच्चों? सार गुणनखंड के, सॉरी समवन विधि से गुणनखंड, ये हमारे दिए गए बीजे बिंदु है उसके समवन विधि से गुणनखंड हुए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है z -7 -7xy + xy
पद हमारे समूह विधि से ज्ञात करने के लिए गुणनखंड हमें चार पद दिए होंगे, उनका सबसे पहले हमें व्यवस्थीकरण करना है। सबसे पहले दिए गए पदों को जैसा दिया हो वैसे ही आपको अगर ग्रुपिंग अगर आप चेक करो रफ कॉपी में, तो यहाँ पर ग्रुपिंग चेक करने पर यहाँ पर ए कॉमन है, जहाँ कुछ कॉमन है बच्चों वहां पर ए कॉमन है। और यहाँ पर देखिए वाई और जेड यहाँ नहीं है, तो वाई और जेड में यहाँ वाई कॉमन लेंगे तो ये चीज जो दोनों पोस्टकोम सेम आएगी वो नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं पदों को व्यवस्थित करते हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा दिए गए पदों को व्यवस्थित करने पर, दिए गए पदों को व्यवस्थित करने पर, जब हम दिए गए पदों को व्यवस्थित करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जेड के पास में दूसरा नहीं आया तो तीसरे को ले जाए, जेड के पास में अगर हम तीसरे को ले जाएंगे तो जेड माइनस सात एक्स वाई, सात एक्स वाई, और फिर इसको आगे ले जाए तो माइनस का सात, इसको हम यहाँ ले आए और इसको यहाँ बिठा दें, जेड माइनस सात एक्स वाई माइनस सात आगे और फिर आगे प्लस का एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आपका कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन है तो जेड माइनस सात एक्स वाई, यहाँ पर भी आपके जो है वो कुछ कॉमन नहीं है तो जेड माइनस एक्स वाई जेड आएगा, तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग से ही आपकी बैठी नहीं है, तो यहाँ पर आपको फिर से ग्रुपिंग नहीं टाइप की करनी पड़ेगी। नहीं टाइप की ग्रुपिंग में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर दूसरे में थोड़ा मिस्टेक है, जेड माइनस सात आपका माइनस का सात एक्स वाई और आगे दिया प्लस का एक्स वाई जेड, तो देखिए जेड माइनस सात एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड, पदों को हमने वैसे ही लिखा है जैसा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जेड माइनस सात में हमें यहाँ पर इसमें और इसमें अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पर हमारा कॉमन बच्चों एक आ रहा है, कुछ कॉमन है एक कॉमन है, या माइनस का तो माइनस कॉमन, प्लस का तो प्लस कॉमन, आगे देखिए एक्स और वाई, इसमें भी एक्स और वाई है, इसमें भी एक्स और वाई है, तो एक्स वाई हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा हमारा सात बच जाएगा, यहाँ सात बच जाएगा, और माइनस की वजह से मैंने अभी बताया था आगे का चिन्ह बदलेगा तो प्लस का चिन्ह माइनस कर दो और यहाँ बच जाएगा जेड। तो देखिए ये जेड माइनस सात और ये सात माइनस जेड, अभी हालांकि ये सेम नहीं है लेकिन इसको हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें वापस माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों माइनस का चिन्ह जो है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हमेशा कि अगर ये जेड माइनस सात ये सात माइनस जेड है तो ग्रुपिंग को आपको बदलना नहीं है, ग्रुपिंग वही रखनी है, बस आगे आपको क्या करना है चिन्ह को कॉमन ले लेना है, इसमें क्या करना है कॉमन ले लेना है और वो पहले वाले में से नहीं लेंगे बाद वाले में से लेंगे, तो इसमें एक और इधर जेड माइनस सात, इसमें माइनस का चिन्ह मैंने बार ले लिया तो ये माइनस है और ये माइनस का बार और ले लिया तो ये एक्स वाई माइनस का हो जाएगा और ये हमारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो वो प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा माइनस का, या आप कह दो कि ये चीज वापस यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ दोबारा सुनिए, यहाँ माइनस का चिन्ह मैंने बाहर लिया तो ये माइनस का एक्स वाई तो था ही, माइनस का चिन्ह और बाहर आ गया तो ये माइनस आ जाएगा एक्स वाई भी, और ये चिन्ह है वो जेड का जो है माइनस का तो प्लस बन जाएगा, प्लस का वो माइनस बन जाएगा। अब ये चीज वापस कॉमन आ गई, इससे पहले आप क्या करो ये एक जेड माइनस सात ये माइनस माइनस, अगर ये पॉजिटिव से पहले और बाद में चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एक्स वाई और ये जेड माइनस सात। अब आप देखिए यहाँ पे कि जेड माइनस सात दोनों में आ गया तो जेड माइनस सात कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ एक बच गया यहाँ प्लस का चिन्ह और एक्स वाई बच जाएगा। तो ये हमारे है दिए गए जो बीजीय व्यंजक है यानी जो चार पदों वाला बीजीय व्यंजक है उसके समूह विधि से गुणनखंड, कौन सी विधि से गुणनखंड है समूह विधि से गुणनखंड। एक क्वेश्चन हमारा और करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें दिया आपको सिक्स एक्स वाई माइनस चार वाई प्लस छह माइनस नौ, आपको ग्रुपिंग बस सीखनी, इसमें ग्रुपिंग में मार्क हासिल करनी है, पहले पदों को जैसा दिया वैसे व्यवस्थित करके समूह बना के ग्रुपिंग करके बाद में देखिए कि यहाँ पर ग्रुपिंग करने के बाद में जो कोष्ठक बनेंगे उनके मार्क सेम आएगा, सेम आए तो आपका जो पदों का व्यवस्थित है वो दिए हुए वैसे ही रखना है, अन्यथा पदों को आगे पीछे व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसमें हम अगर फटाफट देखें तो इसमें और इसमें आपके क्या कॉमन है, देखिए चार और छह में दोनों में दो है और वाई इसमें आ गया, इसका मतलब दो वाई आ गया कॉमन, दो वाई कॉमन आ गया तो दो वाई का हम कॉमन लेने के बाद यहाँ जो बचा हुआ है वो देखे, तो देखिए यहाँ पर ये तीन बच जाएगा यहाँ से बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा दो, और इसमें अगर हम देखें तो तीन कॉमन कितना बच जाएगा यहाँ दो माइनस तीन अंश, कितना बच जाएगा दो माइनस तीन अंश। अब देखिए इधर दो और तीन अंश, इधर भी दो और तीन अंश, लेकिन ये तीन अंश माइनस दो और ये दो माइनस तीन अंश है, तो इसमें अगर क्या बताया मैंने माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है, पहले आपको लिखना है पदों को व्यवस्थित करने पर, लेकिन पद यहाँ व्यवस्थित करने की आवश्यकता है नहीं, पद पहले से ही व्यवस्थित है,
आपको लिखना पड़ेगा दिए गए पदों को व्यवस्थित करने का। जब पदों को व्यवस्थित करेंगे तो 6xy-4y+6-9। इसमें क्या करना आगे कि ये जो 6xy-4y+6-9x है इसमें हमें कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, कॉमन जैसे 6xy और 4y में से वो चीज जो दोनों में होगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने दो पद वाले तीन पद वाले जो थे अभी पीछे कराया था साल गुणा कर ली थी उससे भी आप कर सकते हो कि 6xy को आप रख के क्या लिख दो गुना 3x y और 4y को आप क्या लिख दो बच्चों 2x2y। अब देखिए 2 और 2 इन दोनों में है और क्या चीज दोनों में वाई में तो 2 और y 2y 12 आएगा। फिर पर्सन को वापस लिखोगे तो इसमें 3 और 3x बच जाएगा और इसमें 2 बच जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है 3x-2 तो इसमें 2y आपके दोनों में आ जाएगा तो इसमें बच जाएगा आपके 3x और इसमें बच जाएगा आपका 2। इसी प्रकार हम इसको भी अगर 6x और 9x को तो 6 को हम लिख सकते हैं 2x3 और 9x को हम लिख सकते हैं बच्चों 3x3x 3 इन दोनों में है और कुछ इनमें दोनों में है नहीं तो 3 यहाँ पर 12 आ जाएगा और 3 जब 12 लिखेंगे तो 6 में से तो 2 छूट गया और इसमें से 3 और अक्स यानी कितना बच जाएगा 3x और बीच में चिन्ह कौन सा माइनस का। लेकिन एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ अगर प्लस है तो आगे का चिन्ह वही रहेगा, माइनस का होगा तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 3x-2, 2-3x सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे कौन सा चिन्ह माइनस का, किसमें से अगले वाले पद में से, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का चिन्ह संख्या से पहले लगा देंगे और उसको पोस्ट में लिख देंगे। क्या कर देंगे माइनस का चिन्ह संख्या से पहले लिख देंगे, जैसे यहाँ पर किया था कि माइनस का चिन्ह xy से पहले लगा दिया था और ये माइनस का पड़ा था। अब देखिए ये दोनों चिन्ह बाद में टक्कर करके नया बना लेंगे और यहाँ पोस्ट में वही चीज लिखनी है जो पीछे है, जैसे 7-z का या z-7 को माइनस कॉमन लेते ही वापस z-7 लिखेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2y, अब इसको पहले तो एक सिंगल चिन्ह बनाएंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ये 3x-2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो आपका यहाँ पर 2y बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा और बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। तो ये हमारा दिए गए बीजीय व्यंजन के समोन विधि से गुणनखंड, कौन सी विधि से गुणनखंड है ये समोन विधि से गुणनखंड है। तो आज क्लास में आपने सार गुणनखंड विधि से गुणनखंड उन संख्याओं को सीखा जो आपके 2 या 2 से अधिक पदों में दिए हुए। इसके अलावा आपने समूह विधि में यानी 4 पद दिए हैं तो उनमें समूह बना के हम कैसे ग्रुपिंग करके उनके गुणनखंड करते वो भी आपने सीखा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जो आपके वो गुणनखंड करेंगे लेकिन कौन सी विधि से बीजगणितीय विधि से, तो उसके लिए हमें बीजगणितीय सर्वसमिकाएं याद करनी पड़ेगी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, धन्यवाद।